जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ स्टार्ट द लेक्चर एंड स्टडी चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन इज रिनाउंड इंडियन फिजिसिस्ट हु डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट ऑन 28 फरवरी। देयरफॉर नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी, राइट? एंड इफ 3-marker question is asked regarding any scientist, right? So we have to write for 3-marker at first the contribution in the field of science. क्योंकि normally अगर आप 3-marker में right उनका date of birth right या उनके किसी award के बारे में जानकारी लिखते हैं then definitely you can get marks. But if you write the contribution of scientist in the field of science, then definitely there are high chances that you get maximum marks, right? वहाँ पर marks के cut होने की कोई भी possibility नहीं रहेगी, right? So therefore ये एक template है, right? जितने भी famous Indian scientist हैं, अगर उनसे 3-marker question पूछा जाता है तो at first you have to give the information regarding what is the contribution in the field of science. After that, famous international awards. For an example, अगर Nobel Prize है right? तो Nobel Prize के बारे में आप information दे सकते हैं या कोई other prize हो सकता है, right? After that, जो Indian awards हैं right? उनके बारे में आप जानकारी दें, right? After that, क्या उन्होंने कोई other, right? उनके बारे में जो other information है, राइट? जैसे वो इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट के जो है हेड रहे हैं या चेयरमैन रहे हैं या उन्होंने कोई या किसी बुक को राइट किया है, राइट? ही इज और वाज द ऑथर ऑफ अ पर्टिकुलर बुक, तो हमें वो इंफॉर्मेशन देनी है. एंड एट लास्ट वी हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, फॉर एन एग्जाम्पल व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ, राइट? एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ बर्थ, right? So this information you have to write at last. So don't bother about कि मुझे इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनका बर्थ कहाँ पर हुआ है, इनकी डेथ कब हुई है. ये सब जो information है this is secondary information, right? So at first you have to write the contribution in the field of science. After that you can write about the Nobel Prize and others. After that कोई भी इंडियन अवार्ड्स हो सकता है उनके बारे में जो अदर इन्फॉर्मेशन है, राइट? जैसे वो किसी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन रहे हैं, हेड रहे हैं, उसके बाद में उनका डेट ऑफ बर्थ और फिर क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, राइट? और सिमिलर यही जो है टेम्पलेट रहेगा किसके लिए, 5-marker के लिए. अगर 5-marker क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंट्रोडक्शन में आप उसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आप ये जरूर बताएं, राइट? कि वो साइंटिस्ट जो है वो फिजिसिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, राइट? रेडियोलॉजिस्ट हैं या फिर उन्होंने किसी अदर फील्ड में जो है वर्क किया है. तो 5-marker में इंट्रोडक्शन में आप उनकी फील्ड के बारे में या फिर आप बता सकते हैं कि नोबेल प्राइज विनर और भारत रत्न विनर, राइट? इंडियन फिजिसिस्ट, इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. उसके बाद में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है 5-marker में, राइट? कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी उनका रहा है उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, राइट? जैसे 5-marker में यदि चंद्रशेखर वेंकट रमन पूछे जाते हैं, राइट? तो 3-marker में हमको केवल और केवल रमन इफेक्ट के बारे में जो है बता देना है, राइट? रमन इफेक्ट के बारे में बता देना. बट यदि यही क्वेश्चन जो है 5-marker में पूछा जाता है देन यू मस्ट डिस्क्राइब व्हाट इज रमन इफेक्ट, क्लियर? वैसे ही जो हरिगोविंद खुराना है, राइट? He was given Nobel Prize for the synthesis of artificial gene, right? तो 3-marker के लिए जानकारी हो जाएगी. 5-marker के लिए उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे जो न्यूक्लियो या RNA होता है उससे प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है उसको हम क्लियर बता सकते हैं. जैसे जगदीश चंद्र बसु है तो इन्होंने कैस्कोग्राफ को भी इन्वेंट किया था, राइट? फिर इन्होंने ही बताया था कि जो माइक्रो कंडक्टर होते हैं उनमें जो है रेडियो सिग्नल्स को जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है, राइट? होमी जहांगीर बाबा के बारे में आप पूरा एटॉमिक एनर्जी के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 5-marker में, राइट? फिर जैसे विक्रम साराभाई है तो उनके बारे में अगर 5-marker पूछा जाए तो आप इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं, राइट? APJ अब्दुल कलाम के बारे में जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, राइट? उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट?
सत्येंद्र नाथ बोस है, तो इन्होंने बोस पार्टिकल को जो है किया था, तो आप बोस पार्टिकल के बारे में बता सकते हैं। राजा रमन्ना जो है ये फिर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से 5 मार्कर में जो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको डिटेल में लिखना है, राइट। और कंक्लूजन में आप उनकी जो फेमस अवार्ड्स हैं उनको भी जो है आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस टॉपिक से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो या तो 3 मार्कर पूछे जाएंगे या क्या पूछे जाएंगे, 5 मार्कर के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। या फिर 11 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हो सकता है जैसे आपसे वो पूछें कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फेमस इंडियन साइंटिस्ट, राइट। ए चंद्रशेखर वेंकट रमन, बी विश्वेश्वरैया, राइट, सी विक्रम साराभाई, राइट। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ये टेम्पलेट है और इसके रिगार्डिंग ही हमें सारे के सारे जो फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैं इनको जो है प्रिपेयर करना है, राइट। सो लेट्स स्टडी डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो देखिए इंट्रोडक्शन में यही हो जाएगा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन इज फेमस इंडियन फिजिसिस्ट हु डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट ऑन 28 फरवरी, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज रमन इफेक्ट, राइट। सो व्हाट इज रमन इफेक्ट, सी व्हेन ही वाज गोइंग अब्रॉड, राइट, थ्रू सिप, तो उन्होंने देखा सिप की डॉक से कि व्हाई इज द कलर ऑफ ओशियन इज ब्लू, राइट। और जब इसके बारे में उन्होंने थिंक करना स्टार्ट किया और फिर इन दिस प्रोसेस ही डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट, और इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उस पर डीपली जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर स्टडी की थी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, राइट। सो व्हेन लाइट पासेस इन अ मीडियम देन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एब्जर्व सम पोर्शन ऑफ रेडिएशन एंड स्कैटर सम पोर्शन ऑफ रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दिस इज द रीजन कि जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्या है हमको दिखाई देता है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, राइट, जो ओशियन वाटर है उसका कलर भी कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रमन इफेक्ट, राइट। तो ये रमन इफेक्ट को उन्होंने 28 फरवरी 1928 को क्या किया था, डिस्कवर किया था, राइट। एंड फॉर दिस डिस्कवरी ही गॉट द नोबल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1930 और उनको इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न उसको 1954 में उनको अवार्ड किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने लेनिन पीस प्राइज को भी 1957 में इनको जो है लेनिन पीस प्राइज भी जो है इनको दिया गया था, राइट। ही डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट ऑन 28 फरवरी 1928, राइट। और जो चंद्रशेखर वेंकट रमन है ही इज नॉट ओनली फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ एशिया, तो वेंकट रमन इज द फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन हु गॉट नोबल प्राइज। देयरफॉर टू कमेमोरेट 28 फरवरी और रमन इफेक्ट नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी। उनका जो बर्थ हुआ था वो 1888 को हुआ था एंड ही डेड ऑन 21 नवंबर 1970। सो दिस इज ऑल अबाउट चंद्रशेखर वेंकट रमन। अब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि अगर इनसे 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वी कैन राइट चंद्रशेखर वेंकट रमन इज फेमस इंडियन फिजिसिस्ट हु डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट ऑन 1928 एंड गॉट नोबल पीस प्राइज नोबल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1930, राइट, भारत रत्न इन 1940 एंड लेनिन पीस प्राइज इन 1957। सो इस तरीके से हमारा 30 मार्क जो क्वेश्चन है वो आंसर हो जाएगा, राइट। अगर 5 मार्कर में पूछा जाता है तो हमको इन्हीं चीज़ों को क्या कर देना है, एलाबोरेट करना है। 5 मार्कर पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे, राइट। चंद्रशेखर वेंकट रमन इज फेमस इंडियन फिजिसिस्ट हु डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट ऑन 28 फरवरी 1948, राइट। देन हमको यहाँ पर रमन इफेक्ट के बारे में बताना है, राइट। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चंद्रशेखर वेंकट रमन डीपली स्टडीड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। एंड व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम अ मीडियम सो सम पोर्शन ऑफ द रेडिएशन इज एब्जर्व्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड सम पोर्शन
ऑफ द रेडिएशन इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन दिस फिनोमिना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट राइट द कलर ऑफ स्काई सीम्स टू बी ब्लू देयरफॉर द कलर ऑफ ओशियन सीम्स टू बी ब्लू एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रमन इफेक्ट राइट फिर ही गॉट नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स 1930 भारत रत्न इन 1954 एंड लेनिन 1957 राइट तो ये हमारा यहाँ पर फाइव मार्कर का जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन यही है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन राइट बॉर्न ऑन 7th नवंबर 1888 डाइड ऑन 21st नवंबर 1970 राइट ही डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट राइट एंड टू कमोमरेट रमन इफेक्ट नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28th फरवरी क्लियर नाउ सेकेंड हरगोविंद खुराना तो हरगोविंद खुराना ये मॉलिक्यूलर क्या है बायोलॉजिस्ट हैं राइट एंड ही गॉट नोबेल प्राइज ऑफ राइट बायोलॉजी फॉर द सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन इन 1968 राइट तो इन्होंने जो आर्टिफिशियल जीन है अब जीन क्या होता है तो देखिए जीन इज द यूनिट ऑफ राइट जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए राइट और डीएनए ट्रांसफर्स द हर्डिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन राइट तो डीएनए के द्वारा ही जो जितनी भी हर्डिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में क्या होती है पास होती है और डीएनए की ही जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं जीन कहते हैं और जीन किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए या किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए क्या होती है रिस्पॉन्सिबल होती है तो उन्होंने आर्टिफिशियल जीन के सिंथेसिस के लिए उनको 1968 में जो है नोबेल प्राइज जो है दिया गया था ऑल्सो ही डेमोन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस राइट देखिए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज द वर्किंग एज वेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स राइट सेल में एक तो राइबोसोम होते हैं राइट एंड राइबोसोम्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एज वेल एज जो हमारा आरएनए होता है राइट आरएनए या न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो इन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स का प्रोटीन सिंथेसिस में क्या कंट्रीब्यूशन होता है क्या रोल होता है उसको क्या किया था डेमोन्स्ट्रेट किया था ऑल्सो ही स्टडीड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल्स राइट और ये जो न्यूक्लियस की स्टडी की थी इसी के प्रोसेस में ही उन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका प्रोटीन सिंथेसिस में क्या रोल होता है राइट ही क्रिएटेड अ कंपाउंड न्यूक्लियो प्रोटीन एंजाइम फिर इनके अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो इनको गार्डनर फाउंडेशन इंटरनेशनल अवार्ड जो है मिला था फिर लुइस फाउंडेशन इंटरनेशनल अवार्ड मिला था साथ ही साथ 1968 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था राइट और इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था राइट ही वॉज बॉर्न इन 1922 इन रामपुर इन पंजाब सो दिस इज ऑल अबाउट हरगोविंद खुराना यदि इनसे फाइव मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम सीधा लिख सकते हैं राइट कि हरगोविंद खुराना इज इंडियन ओरिजिन अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट राइट एंड He was awarded Nobel Prize in 1968 for the synthesis of artificial gene. He also demonstrated the role of nucleotides in protein synthesis and he studied the chemical composition of the nucleus of the living cells. He created compound called nucleoprotein enzyme, right? He got Gardner Foundation Award, International Award, Lewis Foundation International Award, Padam Bhushan and Nobel Prize in 1968, right? He was born in 1922 in Rampur, Punjab. Next हो जाएगा यहाँ पर जगदीश चंद्र बोस, right? अब जगदीश चंद्र बोस बहुत ही famous क्या थे scientist थे, साथ ही साथ इनकी field भी differented, right? जैसे अगर हम देखें तो ये जो है इन्होंने radio waves और जो है microwaves के ऊपर भी work किया था, right? तो फिजिक्स से साथ ही साथ इन्होंने बायोलॉजी में भी कैस्कोग्राफ को इन्वेंट किया था ऑल्सो इन्होंने लिटरेचर
राइट, लिटरेचर भी, लिटरेचर के लिए भी ये जाने जाते हैं, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन लिटरेचर। तो जो जगदीश चंद्र बोस है ये एक बहुत ही डाइवर्स पर्सनालिटी है, राइट, और इनको सर बोस के नाम से भी जाना जाता है। तो जगदीश चंद्र बोस, अच्छा हमारा जो सिलेबस है इनका सिलेबस में नाम क्या दिया है, बासु, जगदीश चंद्र बासु या जगदीश चंद्र बोस, बात एक ही है, डोंट बी कंफ्यूज। तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बासु या बोस इज नोन एज सर बोस। ही हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फिजिक्स, राइट, बायोलॉजी, बॉटनी एज वेल एज आर्कियोलॉजी, राइट, एंड ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड हु वर्कड ऑन द ऑप्टिक्स ऑफ रेडियो एज वेल एज माइक्रोवेव्स। एक्चुअली में जो नोबेल फिजिक्स ऑफ नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स है वो जगदीश चंद्र बोस को मिलना चाहिए था, बट इनकी जगह पर मार्कोनी को क्या दिया गया था, राइट, इन 1909 मार्कोनी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन हिज प्लेस। तो इन्होंने ही रेडियो वेव्स और जो माइक्रोवेव्स हैं उन पर बहुत अच्छे से स्टडी की थी, साथ ही साथ ही इज फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट अ यूएस पेटेंट, इनको यूएस में जाकर पेटेंट मिला था, राइट, एंड ही इज द फादर ऑफ रेडियो साइंस। तो इन्होंने रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स पर वर्क किया था और इनको फादर ऑफ रेडियो साइंस कहते हैं, राइट, एक्चुअली में नोबेल प्राइज इनको मिलना चाहिए था रेडियो साइंस के लिए, बट वो जो नोबेल प्राइज है वो किसको मिला था, मार्कोनी में मिला था, राइट। ऑल्सो इन्होंने बताया कि जो वायरलेस सिग्नल्स हैं, राइट, जैसे नाउ डेज हम मोबाइल फोन पर बात करते हैं, तो वायरलेस सिग्नल की फील्ड में इन्होंने अच्छा वर्क किया था, एंड ही वॉज फर्स्ट टू यूज सेमीकंडक्टर्स टू एक्सचेंज द रेडियो मैसेजेस, राइट, और उन्होंने रेडियो मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए सेमीकंडक्टर का क्या किया था, यूज किया था, राइट। बॉटनी की और बायोलॉजी की फील्ड में उन्होंने कैस्कोग्राफ को क्या किया था, इन्वेंट किया था। कैस्कोग्राफ क्या है, कैस्कोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एनवायरनमेंट का जो भी स्टिमुली है, राइट, उसको क्या कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है, राइट। कुल मिलाकर प्लांट्स के साथ में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, राइट, उस एक्टिविटी को कैस्कोग्राफ के द्वारा जो है मेजर किया जा सकता है, राइट, एंड ही स्टडीड द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू वेरियस स्टिमुली एंड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज हैव मच इन कॉमन, इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, राइट। तो जैसे हमको कोई भी ऐसे अगर इस तरीके से टच करता है तो हम रिस्पॉन्ड देते हैं, इसी तरीके से इन द सेम वे जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट जगदीश चंद्र बोस, राइट। तो जगदीश चंद्र बोस इज नोन एज सर बोस, एंड जगदीश चंद्र बोस हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी एंड आर्कियोलॉजी। ही इज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु गॉट अ यूएस पेटेंट, राइट, एंड ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ रेडियो, ऑप्टिक्स ऑफ रेडियो एंड माइक्रोवेव, एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ रेडियो साइंस, राइट। ही मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन सेंडिंग वायरलेस सिग्नल्स एंड वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सेमीकंडक्टर टू एक्सचेंज रेडियो मैसेज, एंड उन्होंने ही जो है सेमीकंडक्टर, ही वॉज द फर्स्ट टू यूज सेमीकंडक्टर टू कैप्चर रेडियो मैसेज। मतलब इन्होंने बताया था कि जो रेडियो वेव्स हैं उनके द्वारा वायरलेस कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल हो सकता है, और रेडियो वेव्स के द्वारा वायरलेस जो सिग्नल हैं उनको ट्रांसमिट भी किया जा सकता है, राइट। इन द फील्ड ऑफ बॉटनी ही इन्वेंटेड कैस्कोग्राफ, एंड कैस्कोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एनवायरनमेंट के स्टिमुली को क्या करता है, रिस्पॉन्स कर सकता है, एंड ही स्टडीड द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू वेरियस स्टिमुली, राइट। ही इज ऑल्सो नोन फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन लिटरेचर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट जगदीश चंद्र बोस। नाउ कौन हो जाएगा यहाँ पर, होमी जहांगीर बाबा, राइट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द वर्क, राइट, बामा एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने TIFR के बारे में भी पढ़ा था, तो जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, राइट, TIFR वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड विद द एफर्ट्स ऑफ होमी जहांगीर बाबा, राइट। वार्क को भी जो है एस्टेब्लिश किया गया था, राइट, होमी जहांगीर बाबा के एफर्ट से। साथ ही साथ इंडिया में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, राइट, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत ही, राइट, नाउ
आवर कंट्री हैज न्यूक्लियर वेपन्स एज वेल एज हम न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका यूज़ भी कर सकते हैं, या हम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनसे न्यूक्लियर एनर्जी भी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो होमी जहांगीर बाबा इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम एंड ही वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन सेटअप इन 1948, राइट। होमी जहांगीर बाबा प्रिसाइडेड ओवर द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट इन जिनेवा इन 1953, राइट। और द कंट्री वॉज सक्सेसफुल इन कंडक्टिंग फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 इन हिज एफर्ट्स। अगर होमी जहांगीर बाबा की डेथ नहीं होती तो इंडिया ने जो 1998 में पोखरण में जो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो हम उसको बहुत पहले ही कर लेते, राइट। और उन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, राइट। सो नाउ डेज इंडिया हैव एटॉमिक वेपन्स, राइट। वो सब किसकी देन है, राइट। तो होमी जहांगीर बाबा की देन है, देयरफॉर ही इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम, राइट। उनके एफर्ट से TIFR एस्टेब्लिश हुआ, बार्क एस्टेब्लिश हुआ, और वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसके क्या रहे हैं, जो है फर्स्ट चेयरमैन भी रहे हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। तो 5 मार्कर के लिए इंट्रोडक्शन में आप सीधे ये लिख सकते हैं, राइट। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, राइट। विद हिज एफर्ट्स TIFR वर्क वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड ऑल्सो ही वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन सेटअप इन 1948, राइट। इसके अलावा ही प्रिसाइडेड ओवर द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट हेल्ड इन जिनेवा इन 1953, राइट। होमी जहांगीर बाबा ने जो एटॉमिक एनर्जी की फील्ड में जो अपना गाइडेंस प्रोवाइड कराया था, बिकॉज ऑफ दैट द कंट्री वॉज सक्सेसफुल इन कंडक्टिंग द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 विद द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा एंड ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग कंट्री न्यूक्लियर पावर। नेक्स्ट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राइट। अगेन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंडिया के ऐसे साइंटिस्ट है, राइट, जिनके बारे में सब कोई जानता है, राइट। बिकॉज ऑफ ये इतने हम्बल थे कि ये इंडिया के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, इसके बावजूद, राइट, ये बहुत ही हम्बल थे, राइट। टिल दैट ये कई यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में विजिट करते थे, राइट, जो स्टूडेंट्स थे उनको इंस्पायर करते थे, राइट। ऑल्सो ही इज द रोल मॉडल फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया, राइट। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिसके लिए जाने जाते हैं वो है इंडिया का मिसाइल गाइडेड प्रोग्राम एज वेल एज क्या हो जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हम इन दोनों के बारे में यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को एक तो पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ऑल्सो ही इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने इंडिया में जो गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है उसमें क्या दिया था, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अब गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम क्या होता है वो उसको हम समझते हैं, जो गाइडेड मिसाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए नॉर्मली जो मिसाइल्स होती हैं, राइट, उनको जब कहीं से क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, जैसे ये मिसाइल है, राइट। तो ये जो मिसाइल है ये अगर लॉन्च हो गई तो ये पैराबोलिक जो पाथ है उसको ट्रेवल करती है, और पैराबोलिक पाथ को ट्रेवल करते हुए ये जो एनिमी है या टारगेट है उसको क्या करती है, हिट करती है, डिस्ट्रॉय करती है। बट इसकी एक्यूरेसी सही नहीं होती। लेट से यहाँ पर कोई टेररिस्ट है एंड ही इज इन द कार, राइट। वी या इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ मिसाइल इन दिस प्लेस, और इतने में अगर ये टारगेट अपने प्लेस से क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, या तो वो बैकवर्ड या फॉरवर्ड जो है मूव कर जाता है, तो हो सकता है कि जो टारगेट हो वो एस्केप भी हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी सिविलियंस हैं, इनोसेंट सिविलियंस हैं, या यहाँ पर कोई दूसरा एसेट्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इस वजह से ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है। अब गाइडेड मिसाइल सिस्टम क्या होता है, गाइडेड मिसाइल सिस्टम में हम टारगेट को क्या कर देते हैं, पहले ही लॉक कर देते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि अगर हमने इस टारगेट को लॉक कर दिया और ये जो टारगेट है ये अगर मूव भी करता है तो जो मिसाइल है वो अपना पाथ क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी, और जहां पर भी जो टारगेट होगा उसको जाके क्या करेगी,
हिट करेगी, राइट। तो गाइडेड मिसाइल्स ऐसी मिसाइल होती है जो कि टारगेट यदि अपनी पोजीशन को चेंज करता है तब भी उसको जाकर क्या कर सकती है, हिट कर सकती है। ये इनका पहला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। सेकंड क्या है कि एएसएलवी, यह हम देख सकते हैं जो इसरो, राइट, इसरो अचीव्ड द इसरो अचीव्ड जो प्लेस उन्होंने स्पेस साइंस में अचीव किया है बिकॉज ऑफ द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ही जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 है जो कि इंडिया का फर्स्ट जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है, इसको डिज़ाइन एंड डेवलप करने में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे। स्पेस प्रोग्राम में 2% बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक तो डॉक्टर कौन हो जाएंगे, नंबी नारायण हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही विकास जो इंजन है उसको डेवलप किया था और विकास इंजन के साथ ही पीएसएलवी जो थर्ड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है वो इंडिया डिज़ाइन एंड डेवलप कर पाया। और एसएलवी और एएसएलवी, या हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसको डिज़ाइन एंड डेवलप करने में मेजर रोल था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो हम कह सकते हैं कि इसरो की जो इनिशियल जो जर्नी थी, राइट, वो पॉसिबल हो पाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के वजह से ही, राइट। और इन्होंने जो मिसाइल गाइडेड प्रोग्राम है उसके तहत अग्नि और पृथ्वी जैसे जो पावरफुल इंडिजीनियस मिसाइल्स हैं उनको भी जो है डेवलप किया था। ही गॉट मैनी अवार्ड्स, फॉर एन एग्जांपल द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, देन पद्म विभूषण, वीर सावरकर अवार्ड एंड पद्म भूषण अवार्ड, राइट। उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं जो कई बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछी गई हैं, राइट, और इनकी जो इग्नाइटेड माइंड्स है ये तो हर स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, राइट। दिस इज द मोस्ट मोटिवेशनल बुक ऑफ इंडिया, राइट। तो इग्नाइटेड माइंड्स रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, गाइडिंग सोल्स और टर्निंग क्या हो जाएगा, पॉइंट्स हो जाएगा, राइट। और इनकी बायोग्राफी के ऊपर जो है मूवी बनी है जिसका नाम क्या है, आ लिटिल ड्रीम है। ऑल्सो ही वॉज द पर्सन जिनको 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी जो है सेलेक्ट किया गया था। तो और ये प्रेसिडेंट होते हुए भी हम्बल थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ से हो सकता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से 11 मार्कर का क्वेश्चन पूछें, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट फिर भी अगर पूछा जाए तो हम ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं, राइट। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड इंडियाज पीपल्स प्रेसिडेंट। तो एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बिकॉज he has been given credit for indigenously designed guided missiles, right? And guided missiles are those missiles which can hit the target if target changes its position, right? And he developed missiles like Agni, Prithvi, right? With indigenous technology, और इस तरीके से इन्होंने डिफेंस, इंडिया की जो डिफेंस है, राइट, उसको स्ट्रॉन्ग करने में मेजर रोल प्ले किया है। He was also the as a project director, he is credited with the developing India's first generation indigenously satellite launch vehicle SLV-3, और later उसे ASLV को develop किया, फिर PSLV को develop किया और फिर GSLV को develop किया है, right? He wrote different books, Turning Point, Guiding Souls, Wings of Fire, Ignited Minds, and he has been given different awards, Bharat Ratna, Padam Vibhushan, Veer Savarkar, and Padam Bhushan, right? A film, A Little Dream, was presented on his biography, and he was the 11th President of India. Next is Bikram Sarabhai, right? Abhi humne space program ki baat ki thi, right? तो स्पेस प्रोग्राम के जो आर्किटेक्ट हैं वो कौन माने जाते हैं, विक्रम साराभाई माने जाते हैं, राइट। विद द एफर्ट्स ऑफ विक्रम साराभाई इन कॉस्पर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1962 और इन कॉस्पर ने इनिशियली साउंडिंग रॉकेट्स को टेस्ट करना स्टार्ट किया। साउंडिंग रॉकेट से जो भी नॉलेज गेन किया, राइट, उसी से इसरो ने, जिसको 1969 में एस्टेब्लिश किया था इसरो ने, आगे चलकर, राइट, एएसएलबी, राइट, एएसएलबी, एसएलबी, पीएसएलबी,
राइट, और GSLV जैसे लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया है, राइट, इसरो के पास में टेक्नोलॉजी है कि वी कैन डिज़ाइन एंड डेवलप इंडिजीनियस सैटेलाइट्स और उनको हम लॉन्च भी कर सकते हैं. तो वी हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग सैटेलाइट, वी कैन लॉन्च द हैवी वेट सैटेलाइट विद लॉन्च व्हीकल्स लाइक PSLV एंड GSLV. और इस प्रोग्राम के जो आर्किटेक्ट थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई. देयरफॉर ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया. ही लेट द फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम एज इन एज द चेयरमैन ऑफ इन कॉस्पर, राइट, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड क्या हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा. ही ऑल्सो विद द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई सेटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर इन अहमदाबाद को भी इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में. और उन्होंने ही ओपन्ड या ही प्लेड अ मेजर रोल टू इस्टेब्लिश 40 इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया. साथ ही साथ इन्होंने एटॉमिक एनर्जी की फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में और मेजर अदर फील्ड्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. ही रोड 86 साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स, राइट, एंड थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन एंड एसोसिएट स्पेस इंस्टीट्यूट्स, राइट, जो है उसको रीनेम किया गया था विक्रम साराभाई सेंटर के रूप में. क्लियर? तो ये विक्रम साराभाई के बारे में हो जाएगा. इनसे 5 मार्कर पूछा जाए तो जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की है उनको भी आप लिख सकते हैं, राइट. तो विक्रम साराभाई इज नोन एज फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया बिकॉज ही विद द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई इन कॉस्पर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1962. लेटर इन कॉस्पर वॉज रिप्लेस्ड बाय इसरो इन 1969, राइट, एंड अंडर हिज गाइडेंस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल फर्स्ट मतलब SLV और ASLV जो है उनको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था. एंड विद द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, राइट, इंडिया में 40 इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड टू स्पेस एंड रिसर्च वर एस्टेब्लिश्ड. फॉर एन एग्जाम्पल स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, राइट, 1966-67 में जो एस्टेब्लिश किया गया था, राइट, और थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जिसको 1963 में एस्टेब्लिश किया गया था वॉज रीनेम्ड एज अ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर. इसके अलावा ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन एटोमिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैनी अदर फील्ड्स. ही रोड 86 साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स एज वेल. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सत्येंद्र नाथ बोस. यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट गॉड पार्टिकल. अब गॉड पार्टिकल किसको कहा जाता है, तो देखिए गॉड पार्टिकल वह पार्टिकल होता है जो कि किसी भी मैटर के मास के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट. और गॉड पार्टिकल के लिए पीटर हिक्स को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था. और इसके साथ में सत्येंद्रनाथ बोस ने भी जो गॉड पार्टिकल है या जो बोसान पार्टिकल है, राइट, उसके इन्वेंशन में या उसकी डिग्री में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. इसीलिए इन द नेम ऑफ सत्येंद्रनाथ बोस गॉड पार्टिकल इज नोन एज बोसान पार्टिकल, राइट. इसके अलावा इन्होंने फर्मियंस के डिस्कवरी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, राइट. फिर एक तो ये हो जाएगा बोसान पार्टिकल. इसके अलावा भी जो मैटर है, तो देखिए मैटर की नॉर्मल टेम्परेचर पर 3 स्टेट्स होती हैं. द स्टेट्स ऑफ मैटर एट नॉर्मल टेम्परेचर सॉलिड, लिक्विड एंड क्या हो जाएगा उसके बाद में, गैस हो जाएगा, राइट. उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेट मानी जाती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, उसके बारे में जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी वो इन्होंने ही दी थी. तो ही डिस्कवर्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट विद द साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन. इसीलिए जो बोस है पुणे में सत्येंद्रनाथ बोस का, और आइंस्टीन कौन है, आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन है. तो इसी वजह से जो फोर्थ स्टेज है उसको बोस आइंस्टाइन जो है आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट भी कहा जाता है. और इन्होंने पीटर हिक्स के साथ में जो गॉड पार्टिकल है या बोसान पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, राइट. तो फॉर 5 मार्कर वी कैन राइट दैट सत्येंद्रनाथ बोस इज फेमस इंडियन साइंटिस्ट, राइट, एंड ही डिस्कवर्ड द
फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट विद द साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन इन स्टेटिक्स, राइट, एंड ही गेव द आइडिया ऑफ हिग्स पार्टिकल या बोसान पार्टिकल। एंड लेटर इस जो डिस्कवरी है इस पर और भी ज़्यादा रिसर्च की थी पीटर हिग्स ने, और विद द एफर्ट्स ऑफ सत्येंद्रनाथ बोस और पीटर हिग्स जो गॉड पार्टिकल है वो डिस्कवर किया गया है, और गॉड पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ अ पर्टिकुलर एटम, राइट, और इनके नाम से ही, राइट, बोसान पार्टिकल नेम्ड आफ्टर सत्येंद्रनाथ बोस आउट ऑफ मॉलिक्यूल्स नेम्ड एज बोसान एंड क्या हो जाएगा फर्मियंस इन फिजिक्स। क्लियर। नेक्स्ट इज डॉक्टर शांति स्वरूप पटनाकर। साइंस की फील्ड में डेवलपमेंट के लिए या रिसर्च के लिए लेबोरेटरीज का होना बहुत ही जरूरी है, और इंडिया में रिसर्च लेबोरेटरीज को इस्टेब्लिश करने में शांति स्वरूप भटनागर जी का इम्पॉर्टेंट रोल था। देयर फोर ही इज नोन एज द फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज इन इंडिया। ही वॉज बोर्न इन 1894 इन शाहपुर पाकिस्तान, राइट, और इनको 1941 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइटहुड से भी क्या किया गया था, अवार्ड दिया था, राइट। इनके जो चेयरमैनशिप था, राइट, उसमें ही 1947 में CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च CSIR वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, और इन्होंने ही या इनके एफर्ट्स ही जो रिसर्च लेबोरेटरीज थी वो एस्टेब्लिश की गई थी, राइट, इसलिए इनको फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज भी कहा जाता है। इनकी डेथ के बाद में नेशनल भटनागर जो अवार्ड है वो साइंस की फील्ड में जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा उसकी जो इनकी जो रिसर्च की फील्ड थी वो क्या थी, अमलगमेशन कोलाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बट इन्होंने जो मेजर रोल प्ले किया था वो मैग्नेटिक केमिकल्स में जो है रोल प्ले किया था। क्लियर। तो 5 मार्कर के लिए जो है शांति स्वरूप भटनागर है, इनका इंट्रोडक्शन हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, राइट। तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर इज नोन एज द फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज बिकॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1947 एंड CSIR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज इन इंडिया, राइट। देयरफॉर ही इज नोन एज फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज। ही वॉज ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ नाइटहुड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1941। उनका बर्थ हुआ था 1894 में शाहपुर पाकिस्तान में, और इनके जो रिसर्च सब्जेक्ट थे तो हिज रिसर्च सब्जेक्ट्स वर अमलगम कोलाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बट द मेजर कंट्रीब्यूशन वॉज इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक केमिकल्स। क्लियर। इनकी डेथ के बाद में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है गवर्नमेंट्स के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीरबल साहनी हो जाएगा। तो बीरबल साहनी ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रदरफोर्ड एंड नील्स बोर के साथ में रेडियो एक्टिविटी पर क्या किया है, वर्क किया है, राइट। इन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड कैम्ब्रिज है वहाँ से DSC की जो है डिग्री भी जो है प्राप्त की थी, और इन्होंने बायोलॉजी और फॉसिल्स की फील्ड में भी क्या की है, स्टडी की है। इनका बर्थ 1891 में शाहपुर कहाँ पर हुआ था, ददेन इंडिया, या जो कि प्रेजेंट डे कहाँ, पाकिस्तान में इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, राइट। तो बीरबल साहनी इज फेमस इंडियन साइंटिस्ट। ही डिड रिसर्च वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी विद रदरफोर्ड एंड नील्स ब्रो, राइट। बीरबल साहनी ऑब्टेंड हिज DSC डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड कैम्ब्रिज, एंड ही रिसर्च इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फॉसिल्स, राइट। ही वॉज बोर्न इन 1891 इन शाहपुर पाकिस्तान। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर मेघनाथ साहा, राइट। तो जो मेघनाथ साहा हैं वो साहा इक्वेशन के लिए क्या है, जाने जाते हैं, राइट। तो ये साहा इक्वेशन के लिए जाने जाते हैं, और साहा इक्वेशन के माध्यम से ही, राइट, साहा इक्वेशन के लिए जाने जाते हैं, और ये जो साहा इक्वेशन है ये एक्सप्लेन करती है फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ द स्टार, राइट। जो स्टार है,
राइट, स्टार का जो है सबसे शुरू में बर्थ होता है, फिर वो यंग एज में आता है, और उसके बाद में जो है रेड गेंट प्लैनेट में जो है क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जो स्टार है उसकी फिजिकल और केमिकल स्टेट क्या होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने साहा जो है इक्वेशन को भी क्या किया था, इन्होंने ही दिया था। ये फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल क्या है, साइंटिस्ट हैं, राइट। इन स्टूडेंट लाइफ ही रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम जगदीश चंद्र बासु, राइट, एंड प्रफुल्ल चंद्र राय, राइट। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस ऑफ 1934, और इनका जन्म 1893 में कहाँ पर हुआ था, ढाका में हुआ था। क्लियर, तो ये मेघनाथ साहा जी हो जाएंगे। थ्री मार्कर में अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हम बता सकते हैं कि मेघनाथ साहा इज वेल नोन इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट हु इज फेमस फॉर साहा इक्वेशन, एंड दिस साहा इक्वेशन एक्सप्लेन्स द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ द स्टार। व्हेन ही वाज स्टूडेंट ही रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम जगदीश चंद्र बोस, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था, और प्रफुल्ल चंद्र राय। ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस ऑफ 1934। ही वाज बोर्न इन 1893 नियर ढाका। नेक्स्ट कौन हो जाएंगे, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये नाउडेज जो है, नाउडेज ये क्या है, न्यूज़ में है, इसलिए हम इनको जो है पढ़ रहे हैं। तो जो चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव हैं, ये फेमस साइंटिस्ट हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये हेड ऑफ द साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो साइंटिफिक जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी जो काउंसिल है पीएम की, उसके ये क्या है, हेड है। साथ ही साथ ही इज द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर मटेरियल साइंस। इनका बर्थ हुआ था 1934 में कहाँ पर, बेंगलोर में, और ये सॉलिड केमिस्ट्री और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री के फील्ड में भी इन्होंने क्या किया है, वर्क किया है। इनको 84 यूनिवर्सिटी से ऑनररी डॉक्टरेट्स की जो है उपाधि भी यहाँ दी गई है। क्लियर, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर सी एन रामचंद्र राव, राइट। तो सी एन रामचंद्र राव इज फेमस इंडियन साइंटिस्ट, एंड ही वर्कड मेनली इन द फील्ड ऑफ सॉलिड केमिस्ट्री एज वेल एज स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। प्रेजेंटली ही इज सर्विंग एज द हेड ऑफ द साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड राव इज द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर मटेरियल साइंस, राइट। ही रिसीव्ड ऑनररी डॉक्टरेट्स फ्रॉम 84 यूनिवर्सिटीज। ही वॉज बॉर्न ऑन 30 जून इन 1934 इन बेंगलोर। नेक्स्ट हो जाएंगे यहाँ पर जयंत विष्णु नार्लिकर। तो जयंत जो विष्णु नार्लिकर हैं, राइट, ये जाने जाते हैं किसके लिए, तो साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए नार्लिकर जी जो है वो जाने जाते हैं। ही रोट डिफरेंट बुक्स इन इंग्लिश, हिंदी एज वेल एज मराठी लैंग्वेज, और इन्होंने ऐसी लैंग्वेज में बुक्स को राइट किया है कि इन्होंने साइंस को एक जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो बना दिया है। तो इन्होंने साइंस को पॉपुलराइज करने में एक मेजर रोल जो है प्ले किया है। ऑल्सो ये स्टेडी स्टेट जो थ्योरी है ऑफ यूनिवर्स, इसके लिए भी जाने जाते हैं, एंड विद फ्रेड होयल, राइट, विद फ्रेड होयल जो है होयल थ्योरी ऑफ जो फिजिक्स भी है इन्होंने दी थी। ही फॉर्मुलेटेड द होयल नार्लिकर थ्योरी बाय कंबाइनिंग आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्या हो जाएगा, मैन थ्योरी हो जाएगा। इनका जो बर्थ है वो हुआ था 1934 में, कहाँ पर हुआ था, कोल्हापुर में, और ये इंडियन क्या है, फिजिसिस्ट है। क्लियर, तो फाइव मार्कर के लिए जयंत विष्णु नार्लिकर इज फेमस इंडियन फिजिसिस्ट। He wrote many books in English, Hindi as well as Marathi language to popularize science, right? इन्होंने जो steady state theory of जो universe थी उसके भी ये क्या है, expert रहे हैं, right? और he formulated the whole Nalnikar theory by combining Einstein's theory of relativity and Max's theory. He born in 1938 in Kolkata. Next is Venkatraman, राइट, वेंकट
रमन क्या हो जाएगा, रामकृष्णन हो जाएगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट इनसे भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बैंकट रमन रामकृष्णन तमिलनाडु के चंद्रम डिस्ट्रिक्ट में इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, और इनको 2009 में नोबल प्राइज मिला था। किसमें, केमिस्ट्री में मिला था, राइट, क्योंकि इन्होंने राइट ही गॉट द नोबल प्राइज फॉर द आउटस्टैंडिंग स्टडी ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स विच प्रोड्यूस प्रोटीन्स इनसाइड द सेल, राइट। तो वेंकट रमन रामकृष्णन बॉर्न इन चिदम्बरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड ही इज इंडियन ओरिजिन, राइट, इंडियन ओरिजिन। रामकृष्णन वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2009। द नोबल प्राइज वॉज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग स्टडी ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइट, जिससे प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। उसके बाद में हो जाएंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, राइट, और ये चंद्रशेखर लिमिट के लिए क्या है, जाने जाते हैं, राइट। तो ये चंद्रशेखर लिमिट 1.44 सोलर मास की जो चंद्रशेखर लिमिट है इसके लिए क्या है, जाने जाते हैं। ये इंडियन ओरिजिन के क्या है, साइंटिस्ट हैं जिनको 1983 में फिजिक्स का नोबल प्राइज मिला था, और अमेरिका ने इनके नाम पर जो है चंदा दूरबीन या टेलीस्कोप है, चंदा टेलीस्कोप है, उसको भी क्या किया, स्पेस में प्लेस किया है, राइट। तो चंद्र सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इज इंडियन ओरिजिन, फेमस साइंटिस्ट, ही गॉट नोबल प्राइज ऑफ 1983 इन फिजिक्स। ही स्टडीड द स्टेट्स ऑफ स्टार्स, ही एक्सप्लेन विच स्टार विल चेंज टू वाइट ड्रॉप, राइट। दरअसल जब रेडिएंट जो रेडिएंट स्टार होता है, राइट, वो रेडिएंट जो स्टार है वो वाइट ड्रॉप स्टार में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, या फिर वो पल्सर स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए इन्होंने 1.44 सोलर मास की जो लिमिट बताई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। ही रोट मैनी बुक्स ऑन एस्ट्रोफिजिक्स एंड ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, राइट, एंड ही गॉट नोबल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1983। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड फेमस साइंटिस्ट, राइट, वी हैव स्टडीड द contribution of Indians in the field of science and technology. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.